हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शाह क्लासेस ऑनलाइन लेक्चर्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर सिद्धार्थ शाह। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डन टू क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू टू मोर क्वेश्चन ऑन द सेम चैप्टर, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्वेश्चन नंबर 2, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। Now let us start with the question number 2, but before that let me tell you 5 steps, that is transfer of asset, transfer of liability, revaluation, then incoming partners capital and goodwill. Aur goodwill ke liye maine aapko bataya tha, again I am showing that to you. This is case 1 ही आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट इज़ गुडविल विल बी ब्रॉट इन कैश बाय इनकमिंग पार्टनर, दैट इज़ कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो, एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। दिस सेम केस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर दिस चैप्टर, दिस क्वेश्चन एज वेल। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन, पद्मा एंड कुमुद share profit and loss in the ratio 3:2. So 3:2 is a old ratio. In the partnership firm, their balance sheet on 31st March 2019 was as under. So balance sheet is given to us. On the asset side, we have bank, bills receivable, debtors less RDD. If you remember, this is old RDD. RDD ke liye we have to write formula 2RDD new minus RDD old. ये old RDD है, this we have to write on the revaluation account debit side as a formula, old RDD minus 2400. Then stock, furniture, machinery and building. Then come to the liability side, we have creditor, we have bills payable, we have bank loan, general reserve, this will be distributed among old partner in the old ratio. And then capital account of the partners are given to you. On 1st April 2019, they admitted Asha on the following terms. For half share in the profit in the future, matlab Asha ko we are giving half share of the profit of the firm. Asha should bring 30,000 for capital, 30,000 amount she has to bring as capital and 15,000 for goodwill in cash. Okay. Half of the goodwill is withdrawn by the old partner. आधा goodwill old partners लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे वो तीसरा entry भी हमें करना है। फिर remember these are 3 entry. Last entry I have told you, you have to do only if it is specified के if the partner are withdrawing, तो ये करना है। यहाँ पे partners are withdrawing the amount of the goodwill. So that is why all 3 entry we have to pass in this particular question in case of goodwill. ओके, सो हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, सिर्फ आधा, हाँ पूरा गुडविल वो लोग विड्रॉ करने वाले नहीं है। आफ्टर दैट स्टॉक इज डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। सो ध्यान में रखना, वी हैव एडजस्टमेंट इन स्टॉक एंड देन वी हैव एडजस्टमेंट इन मशीनरी। आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 3000, वी हैव एडजस्टमेंट इन डेटर्स ऑल्सो। फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू 16,050 रुपीज एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 20%। तो आप देखो, बिल्स रिसीवेबल को छोड़ के बाकी सब में एडजस्टमेंट है, डेटर्स में, स्टॉक में, फर्नीचर में, मशीनरी में, बिल्डिंग में। सिर्फ बिल्स रिसीवेबल में वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट। सो वाइल ट्रांसफरिंग द एसेट, बिल्स रिसीवेबल वी राइट इन द आउटर कॉलम, ऑल रिमेनिंग एसेट्स वी हैव टू राइट इन द इनर कॉलम। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो पहले 3 स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ एसेट। टेल मी, सबसे पहला बैंक है, सो टेल मी, सबसे पहले वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट। यस यस करेक्ट। सो लेट अस मेक द अकाउंट, आई विल शो यू हाउ मेनी अकाउंट्स यू हैव टू मेक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू मेक दिस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और यू कैन से रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों का नाम एक ही हो है, दोनों अलग अलग नहीं है, बोथ अकाउंट आर सेम, दोनों के दो अलग अलग नाम है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देन वी हैव बैंक अकाउंट, देन वी हैव गुडविल अकाउंट, एंड देन वी हैव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज ड्रॉ ऑल द अकाउंट्स, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन ड्रॉ दीज अकाउंट।
अगर आपने वो अकाउंट्स ड्रॉ कर लिए, सो आफ्टर दैट यू नीड टू ड्रॉ द बैलेंस शीट इन वन पेज इन द बुक्स ऑफ पद्मा, कुमुद एंड आशा. बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2019 यू नीड टू ड्रॉ द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट आपको ड्रॉ करनी है. जर्नल एंट्री की बात हम बाद में करेंगे. यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन ड्रॉ द बैलेंस शीट एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. एट द एंड वी विल पास ऑल द जर्नल एंट्री टुगेदर. सो नाउ लेट अस चेक इट आउट. ट्रांसफर ऑफ एसेट, सबसे पहला है बैंक. टेल मी बैंक कहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500. बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500 रुपीज. आफ्टर बैंक ऑल रिमेनिंग एसेट्स वी हैव टू ट्रांसफर ऑन द न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड. सिर्फ बिल्स रिसीवेबल वी हैव टू राइट इन द आउटर कॉलम. एवरी अदर एसेट वी हैव टू राइट इन द इनर कॉलम. सिर्फ बिल्स रिसीवेबल हम आउटर कॉलम में लिखने वाले हैं, बाकी सारे के सारे एसेट वी टू पुट इन द इनर कॉलम. दैट इज डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एंड बिल्डिंग. एंड लेट मी टेल यू, डेटर्स का जो अमाउंट होगा वो इनर कॉलम वाला बिफोर डिडक्टिंग आरडीडी, दैट अमाउंट वी नीड टू राइट इन द इनर कॉलम. सो यू कैन पॉज, यू कैन राइट ऑल द अमाउंट इन द इनर कॉलम. यू कैन लीव 1-1-2-2 लाइन्स इन बिटवीन सो दैट वी कैन मेक एडजस्टमेंट कंफर्टेबली. ओके, और वो जो डेटर्स का था लेस आरडीडी 2400, ये ओल्ड आरडीडी है. दिस इज ओल्ड आरडीडी. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू आरडीडी न्यू माइनस आरडीडी ओल्ड. एंड दिस ओल्ड आरडीडी वी टू राइट 2400. यहाँ से न्यू आरडीडी में से 2400 हम बाद में माइनस करने वाले हैं. माइनस ओल्ड आरडीडी 2400 रुपीज. सो दिस कंप्लीट योर ट्रांसफर ऑफ एसेट. बैंक वी हैव रिकॉर्डेड ऑन द बैंक अकाउंट डेबिट साइड. All assets we have recorded on the balance sheet asset side. RDD we have recorded in profit and loss account or revaluation account debit side to RDD new minus RDD old. और वो minus 2400 we have recorded there. फिर आप देखो creditor, bills payable, bank loan. ये तीनों तीन में कोई adjustment नहीं है. So ये तीनों तीन straight away we can write on the balance sheet liability side. Creditor, bills payable and bank loan, we don't have any adjustment in these three liabilities. So we can write comfortably on the balance sheet liability side. और अगर आप liability side देखोगे, so we have written creditor, bills payable and bank loan. अब general reserve or capital. तो सबसे पहले we will talk about capital. Capital is having credit balance because it is written on the liability side. So capital account credit side by balance brought down in Padma's column 45,000, in Kumud column 36,000. After recording partner's capital, that is 45,000 and 36,000 bach gaya general reserve. This is undistributed profit. This has to be distributed among the partner in profit sharing ratio. So it will be transferred to partner's capital account credit side. So again, partner's capital account credit side by general reserve, and this way to distribute in profit sharing ratio. If you check it out, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन टू यू. ऊपर दिया था ओल्ड रेशियो 3:2 एंड द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज 7,500. सो लेट अस डिवाइड बाय 5. सो इफ यू डिवाइड 7,500 बाय 5, इट विल बी 1,500. देन 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4,500, 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3,000 रुपीज. You can pause the video, you can write everything, you can complete everything. After that you can copy down properly, and after that we can proceed further. So we have completed two steps, that is transfer of asset and transfer of liability. Now next step is revaluation of assets and liability. Obviously kisi liability mein revaluation nahi hai. We have revaluation only in case of all the assets. So revaluation ke liye we have to do एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड एडजस्टमेंट नंबर 5. वन और टू एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2 वी विल डू लेटर ऑन. पहले वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एडजस्टमेंट नंबर 3, 4 एंड 5. लेट अस चेक इट आउट. एडजस्टमेंट नंबर 3, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%. मतलब स्टॉक में से 10% माइनस करना है
और मशीनरी में से 5% हमें माइनस करना है। सो स्टॉक में से वी टू माइनस 10%, 36,000 का 10% विल बी 3,600, माइनस करके प्लीज राइट इट इन द आउटर कॉलम, इट विल बी 32,400। और मशीनरी में से हमें 5% माइनस करना है, एवरीबडी शुड कैलकुलेट ऑन योर ओन। सो टेल मी 15,000 का 5% वी नीड टू कैलकुलेट, 15,000 का 10% विल बी 1,500, फॉर 5% वी हैव टू मेक हाफ, इट विल बी 750 rupees। सो इन द आउटर कॉलम 14,250 rupees। यू कैन राइट डिक्रीज ऑल्सो, यू कैन राइट डेप्रिसिएशन ऑल्सो। सो स्टॉक वी हैव रिड्यूस्ड बाय 10% एंड प्लांट एंड मशीनरी वी हैव डिक्रीज्ड बाय 5%। नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस, अगर एसेट का वैल्यू कम होगा सो इट विल बी प्रॉफिट और लॉस। यस करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, इट विल बी लॉस। लॉस विल बी रिकॉर्डेड ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टू स्टॉक 3,600 एंड टू मशीनरी अमाउंट इज 750 rupees। सो लेस फ्रॉम एसेट, that is less from stock and less from machinery, and profit and loss adjustment account or revaluation account debit side, that complete adjustment number 3. Adjustment number 4, now RDD we have to maintain at rupees 3000. So let me tell you, this 3000 is your new RDD. ye 3000 aapka naya RDD hai, new RDD hai, 3000 is new RDD. सो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ आर डी डी, यस करेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स में से लेस आर डी डी 3000 rupees। सो इन द आउटर कॉलम यू आर गेटिंग 59,400 rupees। यस, नाउ सेकेंड इफेक्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में वी मेड द फॉर्मूला टू आर डी डी न्यू माइनस आर डी डी ओल्ड। वहां पे आर डी डी न्यू के सामने टू राइट 3000, आर डी डी न्यू के सामने 3000, and then in the outer column you have to write 3000 minus 2400, so outer column mein aapko milega 600 rupees. So that complete your adjustment number 4, new RDD 3000, debtors mein se humne 3000 less kiya, that we have written front of RDD new 3000 minus old RDD 2400, in the outer column 600. So that complete your adjustment number 4. Now adjustment number 5, furniture should be appreciated to rupees 16,050 and building be appreciated by 20%. Now appreciation means we have to add, we have to increase value of furniture and value of building. बिल्डिंग का और फर्नीचर का वैल्यू हमें इंक्रीज करना है, हमें बढ़ाना है। तो आप देखो, फर्नीचर का वैल्यू बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो इट वाज 14,100, करेक्ट, फर्नीचर का वैल्यू वाज 14,100, और वो 14,100 को हमको 16,050 पे लेके जाना है। सो 14,100 को वी हैव टू इंक्रीज अप टू 16,050, सो यू टू फाइंड आउट द डिफरेंस, और वो जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। सो लेट अस चेक इट आउट ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड, वी हैव फर्नीचर का वैल्यू 14,100 है, इसको हमें इंक्रीज करके 16,050 करना है, तो प्लीज फाइंड द डिफरेंस कि हमें कितना ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया सो यू विल बी गेटिंग आई गेस 1950, सो दैट इन द आउटर कॉलम वी कैन राइट 16,050 rupees। तो फर्नीचर का वैल्यू हमने बढ़ाया 1950 से, एंड अलॉन्ग विथ फर्नीचर वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाय 20%। बिल्डिंग को हमें 20% से अप्रिशिएट करना है। सो लेट अस चेक इट आउट, बिल्डिंग का वैल्यू इट इज गिवन टू यू 45,000, दैट वी हैव टू इंक्रीज बाय 20%। सो 45,000 का 10% विल बी 4,500, इफ वी मेक इट डबल इट विल बी 9,000 rupees। सो एड इंक्रीज 20%, 9,000 इन द आउटर कॉलम 54,000 rupees। सो इन दिस एडजस्टमेंट नंबर 5, फर्नीचर का और बिल्डिंग का वैल्यू हमने इंक्रीज किया, फर्नीचर का वैल्यू और बिल्डिंग का वैल्यू हमने इंक्रीज किया। नाउ यू टेल मी, इफ वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीजेस इट इज प्रॉफिट और लॉस,
करेक्ट, इट इज प्रॉफिट। सो अगर प्रॉफिट होगा सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय फर्नीचर अकाउंट 1950 एंड बाय बिल्डिंग अकाउंट 9000 रुपीज। प्लीज पॉज द वीडियो, राइट एवरीथिंग प्रॉपरली एंड देन यू कैन कंटिन्यू। नाउ वी हैव कंप्लीटेड एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड एडजस्टमेंट नंबर 5, रिवैल्यूएशन का पार्ट हो गया। नाउ आई वॉन्ट यू पीपल टू क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन योर ओन एंड वॉट एवर मे बी द डिफरेंस, आइदर प्रॉफिट और लॉस, द डिफरेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो विच इज गिवन टू यू 3:2। तो आप सबसे पहले देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और यू कैन कॉल इट एज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। इफ डेबिट साइड इज मोर राइट टोटल दैट ऑन द बोथ साइड, इफ क्रेडिट साइड इज मोर राइट दैट टोटल ऑन द बोथ साइड, फाइंड आउट द डिफरेंस एंड प्लीज ट्रांसफर दैट डिफरेंस दैट प्रॉफिट और लॉस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द अपोजिट साइड। ये पूरा करने के बाद आप वीडियो कंटिन्यू करके देखना। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा। आप खुद कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करोगे ओनली इट विल कम। सो प्लीज एवरीबडी डू इट अप टू हियर। आई होप यू हैव कंप्लीटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल। नाउ लेट अस चेक इट आउट वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो आप देखो सबसे पहले क्रेडिट साइड इज मोर, सो 10,950 ऑन द बोथ साइड, डेबिट में डिफरेंस आपने 6,000 कैलकुलेट किया होगा। नाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो विच इज 3:2। सो 6,000 विल बी डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 3, इट विल बी 3,600 एंड 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट विल गिव यू 2,400। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,600 एंड 2,400 इन द ओल्ड पार्टनर्स कॉलम। यू कैन यूज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऑल्सो, यू कैन यूज रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो, so that complete our transfer of asset and transfer of liability and revaluation. Teen step hamare ho gaye, transfer of asset, transfer of liability and revaluation. Abhi do step bache jisme incoming partner aayega, usme pehla hai incoming partner's capital aur dusra hai goodwill, aur adjustment number 1 and adjustment number 2 is remaining. So you can check it out, in adjustment number 1 it is given that Asha should bring 30,000 for capital. So how much capital is brought by incoming partner? 30,000. Tell me, capital comes in, money comes in, bank account, debit side. Who is the giver of the money? Asha. So to Asha capital account 30,000 rupees. Bank account debit side. Second effect we have to write on the partner's capital account credit side. By bank account in Asha's column 30,000 rupees. That complete your step number 4, incoming partner's capital. So we have completed 4 step, transfer of asset, transfer of liability, revaluation and incoming partner's capital. Now finally last step we have to do, that is for goodwill. Now goodwill ke liye we have to follow case 1, or according to case 1 we have to pass these 3 entries, that is cash bank to goodwill, goodwill to old partner, and in the question it was given that half of the amount of the goodwill is withdrawn by the old partner, half. आधा अमाउंट गुडविल का ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, मतलब ये जो थर्ड एंट्री है वो थर्ड एंट्री वी हैव टू पास विद द हाफ अमाउंट। एक बार गुडविल का अमाउंट एक बार देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ द गुडविल विच इज ब्रॉट बाय पार्टनर इज 15,000 फॉर गुडविल, इनकमिंग पार्टनर इज ब्रिंगिंग 15,000 फॉर गुडविल। नाउ इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड न्यू रेशियो। सो लेट अस कैलकुलेट न्यू रेशियो फर्स्ट। ओल्ड रेशियो वॉज 3:2 एंड इनकमिंग पार्टनर उसको हमें देना है हाफ शेयर। नाउ लेट अस कैलकुलेट, इफ रिमेंबर ओल्ड रेशियो इज 3:2 और इनकमिंग पार्टनर का शेयर इज हाफ, सो यहां पे 3+2 इज हाउ मच 5, यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर सबसे पहले वी हैव टू गिव इनकमिंग पार्टनर शेयर हाफ, तो 10 का आधा आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5,
अब 10 में से 5 चला गया तो बचेगा 5, 5 को 3 इज टू 2 में डिवाइड करोगे तो 3 एंड 2, सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 3 इज टू 2 इज टू 5। अगर आप देखोगे ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज सेम, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ऑल्सो सेम विच इज 3 इज टू 2। नाउ लेट अस राइट एंट्री। फर्स्ट एंट्री वॉज बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 15,000 रुपीज, अमाउंट ऑफ गुडविल इज 15,000 रुपीज, यहां पे दिया हुआ है गुडविल का अमाउंट है 15,000 रुपीज। देन नेक्स्ट एंट्री इज फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, सो व्हाट आर द नेम ऑफ द पार्टनर, वी हैव पद्मा एंड कुमुद, दैट इज नेम ऑफ द पार्टनर, टू पद्मा कुमुद, सो दिस इज 15,000 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:2, सो 15,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल गिव यू 3,000, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट विल गिव यू 9,000 एंड देन 6,000, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इट वॉज गिवन दैट हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, तो सबसे पहले एंट्री विल बी पद्मा, देन कुमुद टू बैंक अकाउंट, पद्मा का अमाउंट 9,000 है तो 9,000 का हाफ विल बी 4,500, कुमुद का अमाउंट 6,000 है तो उसका हाफ करेंगे तो इट विल बी 3,000, टोटल अमाउंट विल बी 7,500। सो नाउ दिस थ्री एंट्री वी टू पोस्ट एंड देन वी टू क्लोज वन बाय वन ऑल द अकाउंट्स, सो बैंक टू गुडविल 15,000, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर that is again 15,000 in sacrificing ratio and then old partners to bank. Now let us post these entries in the books of account. So bank account debit side to goodwill 15,000 and goodwill account credit side by bank 15,000. So the first entry bank account debit side and goodwill account credit side, bank is debited and goodwill is credited. So ये पहला entry का मैंने effect दिया, फिर से एक बार आप देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट 15,000 एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 15,000 रुपीज, दैट इज द फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री इज गुडविल अकाउंट डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट डेबिट साइड एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सो लेट अस चेक इट आउट, गुडविल अकाउंट डेबिट साइड 9,000 एंड 6,000 एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल 9,000 एंड 6,000, गुडविल अकाउंट में डेबिट और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, सो वंस अगेन बैंक टू गुडविल, गुडविल टू कैपिटल एंड देन कैपिटल टू बैंक, अभी कैपिटल टू बैंक, सो नाउ कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में यू कैन चेक इट आउट द एंट्री, नाउ पद्मा एंड कुमुद ये दोनों के अकाउंट में यू टू राइट ऑन द डेबिट साइड और बैंक अकाउंट में यू टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड, सो कैपिटल में डेबिट, सो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट पद्मा एंड कुमुद, अच्छा हाफ अमाउंट था, इट वॉज 4,500 एंड 3,000 रुपीज, सो कैपिटल में डेबिट है और ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय पद्मा कैपिटल बाय कुमुद कैपिटल 4,500 एंड 3,000, तो तीनों तीन एंट्री एक बार फिर से आप देखो, बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, देन ओल्ड पार्टनर टू बैंक अकाउंट, so this complete your all the steps. Now I request you people to pause the video, you can close partners capital account, jo bhi difference aayega transferred on the balance sheet liability side, goodwill account close ho jayega aur bank account close karke transfer it on the balance sheet asset side, I repeat, capital account close karke liability side, bank account close karke asset side and tally the balance sheet, itna karne ke baad you can continue the video, please do it on your own, calculation is very 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 important. तो अगर आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा सो देखिए टोटल सेम टोटल ऑन द अपोजिट साइड, देन यू कैन फाइंड द डिफरेंस टू बैलेंस ब्रॉड कैरिड डाउन, और गुडविल तो सेम हो जाएगा, बैंक का बैलेंस 60,000 है, सो कैपिटल का बैलेंस ये रहा तीनों तीन विच इज गिवन टू यू 56,000, 46,400 एंड 30,000 और बैंक का जो 60,000 है, ये सारे बैलेंस यू टू राइट ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड,
So liability side में we have partners capital Padma Mukund and Asha capital and total asset side में we have bank 60,000 और अगर आपने total किया होगा I hope आपका question tally हो गया रहेगा by 2,47,400 2,47,400 बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है. क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वो लोग ने आपसे पूछा है जर्नल एंट्री. क्या पूछा है आपसे? जर्नल एंट्रीज. नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू डू जर्नल एंट्रीज. तो इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था व्हेनेवर दे आर आस्किंग जर्नल एंट्री ये रहा जर्नल एंट्री ये रहा जर्नल एंट्री आपको करना है. तो फर्स्ट एंट्री इज फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस विच हैव ऑलरेडी वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो. फिर तीन एंट्री वन फॉर रिवैल्यूएशन डेबिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिवैल्यूएशन. फिर कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर एंड गुडविल. सो नाउ वन बाय वन वी टू पास जर्नल एंट्री. तो पहला इज फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस एंड दिस टाइम इन द क्वेश्चन जनरल रिजर्व वॉज गिवन एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द क्वेश्चन. और ये जनरल रिजर्व आपने ट्रांसफर किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व. इफ यू चेक प्रॉपरली बाय जनरल रिजर्व. यस एवरीबॉडी. सो जनरल रिजर्व को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज इट इज रिटन ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. सो लेट अस हैव जनरल एंट्री. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल अकाउंट एंड टू कुमुद कैपिटल अकाउंट अमाउंट. प्लीज यू कैन राइट जनरल एंट्री इन बिटवीन हर एंट्री के बाद में आप पॉज कीजिए एंट्री को कंप्लीट कीजिए और बाद में आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए. वो हो जाने के बाद में आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू थ्री एंट्री रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट के लिए और एक प्रॉफिट एंड लॉस के लिए. सो लेट अस चेक इट आउट रिवैल्यूएशन अकाउंट वन फॉर डेबिट साइड वन फॉर क्रेडिट साइड एंड वन फॉर प्रॉफिट और लॉस. सो डेबिट साइड की अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और ये तीनों तीन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे. तीनों तीन अकाउंट 600 इज फॉर आरडीडी 3600 इज फॉर स्टॉक एंड 750 इज फॉर मशीनरी. सो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. अगेन आई एम रिपीटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स. यू कैन चेक द एंट्री. जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और एसेट्स को हम क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट एंट्री इज फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. सो यू कैन चेक इट आउट रिवैल्यूएशन अकाउंट. और क्रेडिट साइड में देखो दो चीजें हैं फर्नीचर और बिल्डिंग है. सो फर्नीचर एंड बिल्डिंग विल बी डेबिटेड. फर्नीचर बिल्डिंग को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. वी विल क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो लेट अस चेक नेक्स्ट एंट्री विल बी फर्नीचर एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. फर्नीचर एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. फर्नीचर एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब बीच में पॉज कीजिए एंट्री लिखिए देन यू कैन प्रोसीड फर्दर. After that, you have to pass entry for revaluation profit or loss. तीसरा एंट्री ये 6000 है. It is given on the revaluation account debit side. So once again, revaluation account will be debited and capital account of the partners will be credited. So revaluation account debit to partners capital account. But we have to write name of the partner. So revaluation account debit to Padma's capital account to Kumud's capital account 6000, 3600 and 2400 in profit sharing ratio. So that complete accumulated profit and loss, that complete revaluation, debit, credit and profit and loss on revaluation. Up next entry is for capital of incoming partner and then goodwill. Ye do hi entry bacha hai. Capital of incoming partner and goodwill. So if you remember incoming partner's capital, money comes in. So we have to pass cash and bank account, we have to debit. Cash and bank account will be debited. टू इनकमिंग पार्टनर आशास कैपिटल एंड 30,000 इज ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर. सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट. सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हो गया रिवैल्यूएशन का तीनों तीन हो गया कैपिटल भी हो गया. अभी क्या बचा? गुडविल. सो गुडविल के लिए हमने ऑलरेडी तीन एंट्री पास करके रखा हुआ है.
वही तीन एंट्री लिखना है, कुछ नया नहीं करना है, बस यही तीन एंट्री है। पहला बैंक टू गुडविल, गुडविल टू पद्मा एंड कुमुद, एंड पद्मा एंड कुमुद टू बैंक अकाउंट। सो लेट अस चेक इट आउट फर्दर जर्नल एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद द 50% ऑफ द अमाउंट। यही तीन एंट्री है, फॉर गुडविल ब्रॉट इन, देन गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर 50% ऑफ द अमाउंट। सो दैट कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। थैंक यू वेरी मच।